ये हम तो जान रहे हैं कि बिहार के नौजवान नौकरी खोज रहा है और नीतीश जी दारू खोज रहे हैं। ये सरकार सचमुच में नौजवानों को धोखा देने वाली, छलावा करने वाली सरकार है। लाखों लाख रुपए हेलीकॉप्टर से बहा रहे हैं और उनके स्कूलों की छतें गिरी हुई है, दीवारें नहीं, शौचालय नहीं, पानी नहीं, पढ़ाई नहीं, शिक्षक नहीं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं। पहली बार जब नीतीश जी बिहार के गद्दी पर आए थे तो उस समय से याद है उन्होंने कहा था कि कागज लाओ नौकरी पाओ। बिहार में अगर सरकारी पदे खाली रहेंगी, भर्तियां नहीं होगी, तो इस सरकार को भी बिहार की गद्दी खाली करना होगा। बिहार के भीतर कोई भी नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है। 19 लाख रोजगार मांग रहा है युवा बिहार, बिहार के भाई बहनों का अधिकार 19 लाख रोजगार। आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा सिंह, टीडी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहां पे एग्जीबिशन रोड में हम हैं, भारतीय नृत्य कला मंदिर में है, रोजगार अधिकार महासम्मेलन चल रहा है यहां पे। यहां पे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनकी अलग अलग मांगे हैं। हमारे साथ विधायक जी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या चीज़ इनकी मांगे हैं और किस मुद्दे पे ये लोग यहाँ पे बैठक बुलाए हैं। हमारे साथ विधायक जी हैं मनोज मंजिल, जिनसे हम बात करेंगे इनकी क्या मुद्दा है। सर, टीडी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या नाम है? शुक्रिया, मनोज मंजिल मेरा नाम है, आरवाईए का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और अज्ञाओं से MLA हूँ। ये जो रोजगार अधिकार महासम्मेलन आप देख रही हैं, बिहार के नौजवान कह रहा है कि 19 लाख रोजगार कहाँ गया। नीतीश जी 1.5 साल हो गए सरकार बने हुए, लेकिन उस दिशा में सरकार की कोई सीरियस स्टेप नहीं है, सरकार की कोई सीरियसनेस, कोई सेंसिटिविटी सरकार की नहीं दिखाई दे रही है। 19 लाख रोजगार मांग रहा है युवा बिहार, बिहार के भाई बहनों का अधिकार 19 लाख रोजगार। सरकार श्वेत पत्र जारी करे, बिहार में कितने सरकारी जो पद हैं वो रिक्त हैं, सरकार बहाली कैलेंडर जारी करे, ये हम लोग की डिमांड है। हर विभाग में देख लीजिए, बिहार के विद्यालयों में 60% से ज़्यादा शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। बिहार के विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में 70% शिक्षक के पद रिक्त पड़े हैं, कर्मचारियों के पद रिक्त पड़े हैं। बिहार के अस्पतालों में 54% डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के पद खाली पड़े हैं। बिहार के न्यायालयों में हजारों पद खाली पड़े हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो पटना का हाई कोर्ट हो, चाहे वो बिहार के तमाम प्रखंड कार्यालय हो, अंचल कार्यालय हो, चाहे वो बिहार का सचिवालय हो, चाहे पुलिस फोर्स हो, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, चाहे एग्रीगेशन डिपार्टमेंट हो, कोई भी विभाग आप उठा लीजिए, बिहार में लाखों लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। सर, आपको क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जी हैं जो आप लोगों की मांगे पूरी करेंगे? देखिए, हम तो जान रहे हैं कि बिहार के नौजवान नौकरी खोज रहा है और नीतीश जी दारू खोज रहे हैं, तो हम लोगों का साफ साफ कहना है कि जो बिहार में खाली पड़े पद हैं, बिहार में अगर सरकारी पदे खाली रहेंगी, भर्तियां नहीं होगी, तो इस सरकार को भी बिहार की गद्दी खाली करना होगा। सर, आपने जैसा कहा कि बिहार के युवा जो है वो रोजगार खोज रहे हैं और नीतीश जी शराब खोज रहे हैं, तो उनको किस क्या चीज पे फोकस करना चाहिए? अरे भाई, वो लाखों लाख रुपए हेलीकॉप्टर से बहा रहे हैं और उनके स्कूलों की छतें गिरी हुई है, दीवारें नहीं, शौचालय नहीं, पानी नहीं, पढ़ाई नहीं, शिक्षक नहीं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं, बहालियां नहीं, बहाली कैलेंडर नहीं, तो बिहार का भविष्य नीतीश जी दारू के बोतल में नहीं, नौजवानों के भविष्य में है और नौजवानों का भविष्य सरकारी नौकरी में है, उनके बेहतर रोजगार में। सर, बिहार सरकार को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बिहार सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि आप नौजवानों के युवा को लेके आए को मत मारिए, नौजवानों के जीवन का वसंत जो जवानी है उसको मत खाइए। हमारे साथ सीटेड और बीटेड के अभ्यर्थी हैं जिनकी मांगे हैं कि इनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ समस्याएं हो रही है अभी तक इन लोगों को। सर, टीडी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ, हम बेगूसराय से आए हैं। हम लोग यहाँ रोजगार अधिकार महासम्मेलन जो संदीप सौरभ माले के विधायक हैं पालीगंज के, उनके द्वारा रखा गया यहाँ पर। सर, विधायक जी से मेरी बात हुई, विधायक जी आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आप लोगों की मांगी पूरी की जाएगी? लगातार आप लोग 2 दिन सीटेट और बीटेट के जो अभ्यर्थी हैं वो धरना प्रदर्शन भी किए थे और कहा भी गया था नीतीश कुमार की तरफ से कि अप्रैल में मतलब बहाली निकलेगी, लेकिन फिर आप लोगों ने यहाँ बैठक बुलाई, मतलब क्या रीजन है?
हमको नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं है, वो सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन देते हैं हम लोग को। ये आश्वासन वो आज से नहीं, वो लगभग 2.5 सालों से आश्वासन दे रहे हैं। आश्वासन से काम नहीं चलेगा नीतीश जी, हमें लिखित आश्वासन दीजिए तब हम मानेंगे। आप अप्रैल में दे, जिस तरह छठे चरण वाले के लिए आप डेट निर्धारित किए 25 तारीख को या 23 तारीख को उनका नियोजन पत्र दिया जाएगा, उसी तरह आप एक डेट निर्धारित कीजिए ना, इस दिन सातवां चरण का नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। हम लोग सिर्फ सरकार से यही मांग करते हैं, जितना जल्द से जल्द हो हम लोगों को नोटिफिकेशन दिया जाए, जितना जल्द से जल्द हो सातवें फेज प्राथमिक चरण शिक्षक बहाली की नोटिफिकेशन दिया जाए। सरकार नोटिफिकेशन दे दे, हम लोग क्यों क्यों आएंगे यहाँ। जो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपका नाम क्या हुआ, आप हाथ में देख सकते हैं आप ये सातवीं चरण की बहाली को डोमिसाइल लागू किया जाए ये बैनर लिए हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर आपका टीडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है, क्या नाम? मेरा नाम अनिल कुमार निराला हुआ। और क्या मांग है सर? मेरा मांग है सर सातवीं चरण का बहाली, हम छठे चरण से वंचित अभ्यर्थी है, जनवरी 21 के सीटेट पास अभ्यर्थी है, और मैंने 2019 में छट गए थे उस समय नहीं पास थे। तो मैं नीतीश कुमार से मांग करता हूँ सर, ये छठी चरण का समाप्त हो चुका है, सातवीं चरण का आप घोषणा कीजिए। अच्छा, जो ये भी सीटेड और बीटेड के अभ्यर्थी हैं जो लगातार नीतीश बिहार सरकार से मांगे अपने मांगे पूरी करने के लिए गुहार लगा रहे हैं, हमारे साथ देख सकते हैं कि कुछ और भी अभ्यर्थी हैं जिन लोगों से हम बात करेंगे। एक बड़ा सा बैनर लेके ये लोग इतने कड़ी धूप में है, आखिर नीतीश सरकार क्यों नहीं सुनती है इन लोगों की मांगे, आखिर क्यों इन लोगों को रोड पर भटका रही है, इनसे इन लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि इन लोगों को भी क्या समस्या है। सर टीडी न्यूज़ में आप? मैं दिनेश कुमार कैमूर डिस्ट्रिक्ट से हूं, और ये जो सीटेट और बीटेट अभ्यर्थीगण हैं जो हम लोग वंचित हैं। सर आपका भी वही मांग है सातवें चरण को लेके? अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोजगार सम्मेलन महासम्मेलन चल रहा है, यहाँ पर अमरजीत कुशवाहा जी हैं हमारे साथ जो जीरादेई के विधायक है, इनसे हम बातचीत करेंगे कि इन लोगों की क्या मेन मुद्दा है। सर टी डी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आपका नाम क्या हुआ? अमरजीत कुशवाहा। कहाँ के विधायक हैं आप? जीरादेई सीमांत के। सर मेन मुद्दा क्या है? सर देखिए, आज जो ये सम्मेलन हो रहा है इसमें 20 संगठन के लोग उपस्थित हैं, सबका अपना अपना मांग है। बिहार में जहाँ एनडीए की सरकार ने वादा किया था बिहार के लोगों से चुनाव में कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन 19 लाख रोजगार कहाँ है आज तक नहीं बताई। आज हम बताने के लिए आए हुए हैं कि ये 20 विभागों के जो अभ्यर्थी हैं यहाँ उपस्थित हैं, उनके संगठन के लोग यहाँ उपस्थित हैं, और किस विभाग में कितना जगह खाली है। शिक्षा के क्षेत्र में हमको लगता है 3.5 लाख के पद खाली पड़े हुए हैं, और उसी तरीके से हर विभागों में हजारों, किसी में लाख के संख्या में। सर जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारा जो सीट है जो खाली है, लेकिन बिहार सरकार इस पे कदम क्यों नहीं उठा रही है, युवाओं को इतना क्यों भटका रही है? सर यही तो बात कह रहे हैं, तो ये इतने जगह खाली पड़े हुए हैं, हम लोगों ने इन तमाम संघर्षरत लोगों को, संगठन के लोगों को आज यहाँ बुला करके एक मोर्चे का निर्माण किया है, बिहार में रोजगार अधिकार संयुक्त मोर्चा, जिस मोर्चा के माध्यम से सड़क पर भी एक बड़ा संघर्ष शुरू करने की प्लानिंग है, और सदन के भीतर माले के विधायक, विपक्ष के विधायकों को संगठित करके सरकार अपने वादा को पूरा करे, इस बात को लेकर के संघर्ष बढ़ाने की योजना है। उसी क्रम में आज का ये सम्मेलन है। जहां तक सरकार भटका रही है तो मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार सचमुच में नौजवानों को धोखा देने वाली, छलावा करने वाली सरकार है। पहली बार जब नीतीश जी बिहार के गद्दी पर आए थे तो उस समय से याद है उन्होंने कहा था कि कागज लाओ नौकरी पाओ, उन्होंने कहा था कि बिहार के भीतर अब हम पलायन को रोक देंगे, कोई भी बिहार के लोग बाहर नहीं जाएंगे। और एक दिन जब यह पता चला कि पढ़ने के लिए लड़के यूक्रेन जाते हैं तो सदन में आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे, उनको पता ही नहीं था। तो मैं कहता हूँ कि लाखों लाख के संख्या में बिहार से प्रवासी मजदूर बाहर कमाने के लिए जाते हैं, बिहार के भीतर कोई भी नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है, और सरकार झूठ बोलती है, असत्य बोलती है, और पूरे बिहार के जनता को गुमराह करके सत्ता में बैठी है।
और बिहार सरकार में नीतीश जी के जो सहयोगी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो आरएसएस के इशारे पर चलती है, तो एक तरह से कहा जाए तो नीतीश जी पूरी तौर पे उन पार्टियों के दबाव में है, आरएसएस के दबाव में है। और वो लोग बिहार में जब हम रोजगार के मांग कर रहे हैं तो एक तरफ लाठी चलाया जा रहा है, केस मुकदमा में आंदोलनरत लोगों को फंसाया जाता है, और सदन के भीतर नफरत की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति आरएसएस के जरिए शुरू कर दी जाती है। और इनकी पूरी योजना है कि बिहार के राजनीति को नफरत के राजनीति में तब्दील किया जाए। हम लोगों ने नारा दिया है नफरत नहीं रोजगार चाहिए, और बिहार के हर नौजवानों को जीने का अधिकार चाहिए। सर भाई हम लोग को आगे बढ़ रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे हम भारतीय नृत्य कला मंदिर एग्जीबिशन रोड में थे, यहाँ पे रोजगार महासम्मेलन चल रहा है, अधिकार रोजगार महासम्मेलन चल रहा है, और यहाँ पे अन्य विधायक से हमने बात की और क्या कुछ मुद्दा है कि रोजगार जल्द से जल्द युवाओं को मिले। अगर हम हमारे वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। नमस्कार, मैं हूँ परितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।